सबसे पहले अपने तमाम दर्शकों को नमस्कार हाथ जोड़ के कहना चाहूँगी और सभी मीडिया वाले जो आप लोग आए हैं आप सभी को नमस्कार प्रणाम करती हूँ। जी हाँ, बैरी भइल सजनवा हमार, जैसे कि इसका टाइटल सुन के ही समझ में आ रहा है कि बैरी हुए सजना हमारे, तो कुछ उसी तरह का ये सब्जेक्ट है और बहुत ही एक खूबसूरत स्टोरी है जिसके डायरेक्टर हैं हमारे बहुत ही कमाल के डायरेक्टर मिस्टर दिलीप गुलाटी जी, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इस फिल्म को बनाया है। प्रोड्यूसर हैं महेंद्र जी, इसके एक्टर्स हैं अविनाश शाही जी, रमेश गोयल जी, देन इरफान खान, सपना, जयश्री टी जी, ऐसे कई तमाम बहुत सारे कलाकार हैं। जब भी कोई फिल्म हमारी रिलीज़ होती है तो बहुत खुशी होती है और ये फिल्म से ख़ास तौर पे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि इसका सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका जो स्टोरी लाइन है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शकों को बहुत पसंद आएगी। एक सिंपल स्टोरी है लेकिन बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ है, तो डेफिनेटली ऑडियंस को अच्छा लगेगा। और हाँ, काफ़ी समय बाद ये फिल्म हमारी रिलीज़ हो रही है, बहुत मेहनत से हम लोगों ने बनाई थी, लेकिन आज भी सबसे बड़ी खुशी की बात है उसका चार्म उसी तरह से है। जब अभी हम लोगों ने इसके गाने देखे, ट्रेलर देखा, यहाँ पे सब लोगों ने जिस तरह से तारीफ़ किया, अप्रिशिएट किया, तो बहुत खुशी हो रही है कि आज भी फिल्म ने वो पकड़ बना के रखी हुई है, तो डेफिनेटली आई एम वेरी हैप्पी। गुंजन हमेशा से अलग फ्लेवर वाली फिल्मों के लिए जानी जाती है, इसमें क्या अलग कुछ तड़का झड़का कुछ अलग ऐसा इसमें? देखिए डेफिनेटली इसमें अलग ये जानी जाऊंगी कि मैं इसमें बहुत सिंपल हूँ इसलिए मैं अलग जैसे जानी जाऊंगी। नहीं, इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग किरदार है इस लड़की का, पूरी स्टोरी इस लड़की के आसपास घूमती है, जो फिल्म का सब्जेक्ट है इसके चारों ओर घूमता है और बहुत ही एक पावरफुल लड़की जिसका पति जो जिसके एक अरमान होते हैं कि शादी करके उसको एक अच्छा परिवार मिलेगा, एक अच्छा हस्बैंड मिलेगा, अच्छा ससुराल मिलेगा, लेकिन जब उसके वो सपने टूटते हैं, चूर चूर होते हैं, तो किस तरह से वो लड़की वापस अपने प्यार को पाने के लिए सही रास्ते में से गुजरते हुए कैसे अपने पति को वापस पा पाती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो उस फाइट के ऊपर ये एक स्टोरी है। हाँ, तमाचे भी मारे मैंने, बिल्कुल सही बोला। देखिए अभी नहीं, मुझे बहुत बहुत नहीं, देखिए क्या है कि बैरी भइल सजनवा हमार ये एक मेरे दिल से जुड़ी हुई फिल्म है और किसी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से रुक गई थी, लेकिन आप मीडिया और आप सब दर्शक लोगों के सहयोग से ये दोबारा रिलीज़ हो रही है और मुझे उम्मीद है कि फिल्म चलेगी। और अभी मेरी फिल्म हमें जोड़ी नंबर वन भी रिसेंटली रिलीज़ हुई है बिहार में और ये पिक्चर से भी मुझे बहुत उम्मीद है और मेरी हीरोइन गुंजन पंत उसने बहुत अच्छा काम किया, शी हैज़ डन जस्टिस टू दैट, मुझे बहुत खुशी है। ये इस फिल्म की जान है और मैं आज देखिए गुजराती सिनेमा, पंजाबी सिनेमा और देखिए मराठी सिनेमा, बंगाली सिनेमा इतना आगे बढ़ गया है। अब मैं भोजपुरी में इंटरेस्ट लेके आया हूँ और मेरा ये सपना है कि मैं भोजपुरी सिनेमा को मल्टीप्लेक्स तक लेके जाऊँ, ऐसी फैमिली फिल्म बनाऊँ कि
भोजपुरी के ऑडियंस सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में रीजनल सिनेमा में, लेकिन हमारी फिल्में मल्टीप्लेक्स में नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि हम वैसी फिल्म नहीं बना रहे। हम सोचते डबल मीनिंग होगा या कुछ वल्गैरिटी डाल देंगे तो चल जाएगी, बिल्कुल ये गलत बात है। अच्छी फिल्म होगी, लोग मल्टीप्लेक्स में आके देखेंगे, और मेरा सपना है और मैं मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द भोजपुरी सिनेमा को मैं मल्टीप्लेक्स में लेके जाऊंगा। और मैं बैरीबल सज्जन माँ के लिए भी ट्राई कर रहा हूं कि मैं बहुत तो नहीं लेकिन चंद मल्टीप्लेक्स में ज़रूर इसे लगाऊंगा, और ये मेरे ख्याल से मेरे हाथ से अगर ये शुरुआत होगी तो मेरे लिए इससे बड़ी लाइफ में कोई अचीवमेंट नहीं हो सकती। गुंजन की बात करें, अविनाश की बात करें, तो कैसा रहा केमिस्ट्री युवाओं के साथ काम करते हुए? इन्होंने कितना परेशान किया आपको? सर सर क्या है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे आर्टिस्टों का रोमांस चलता है, क्योंकि वो सही वक्त होता है मूड का। तो मैं मोबाइल पे करते रहो, पर्सनल करते रहो, मुझे अच्छा लगता है। नहीं तो नहीं होता तो नहीं कहा। लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरी फिल्म में रोमांस हो। तो मैं यूथ के साथ हूँ और यूथ को सपोर्ट करता हूँ और उनके रोमांस में भी उनको सपोर्ट करता हूँ। और इट वॉज लवली वर्किंग विद गुंजन, अविनाश, इरफान, सपना। मुझे कभी ऐसा लगता ही नहीं कि मेरे आर्टिस्ट हैं, दे आर लाइक फैमिली टू मी एंड दे ऑल्सो ट्रीट मी लाइक बिग बी। आई लव इट, आई लाइक इट, और अच्छा रहा बहुत। कब तक ये फिल्म लग रही है और दर्शक देख पाएंगे? बस मैं कोशिश कर रहा हूँ छठ पूजा में लगाने का, लेकिन मुझे पता चला कि छठ पूजा पे कोई बहुत बड़े स्टार्स की भी फिल्में आ रही है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। अगर मैं किसी वजह से कामयाब छठ पूजा पे नहीं होता हूँ तो एक दो हफ्ते बाद भी डेफिनेटली मैं इस फिल्म को रिलीज़ कर दूंगा। मतलब ये समझिए आपके नवंबर में ये फिल्म हम ऑल इंडिया रिलीज़ कर देंगे। थैंक यू। बहुत ही बेस्ट फ्रेंड संगीता तिवारी जी का, अमरीश सिंह जी का, जो मतलब मेरे एक कॉल पे वो लोग मुझे यहाँ सपोर्ट करने आए हैं। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, दिल से शुभकामनाएं हैं बेबी आपके लिए। थैंक यू सो मच, सुपर डुपर हिट हो, आप जहाँ रहो खुश रहो। थैंक यू सो मच अमरीश जी। आप लेकिन संगीता जी यहाँ जोड़ी ब्रेक हुई है आप दोनों को कैसे देखिए? नहीं ये लेकिन यहाँ नजर आ गई ना, आज इम्पोर्टेंट है इसलिए नजर आ गई। नजर आना जरूरी है, ब्रेक नहीं हुई है। यस, और सीरियसली हम अपना अविनाश जी के साथ काम करके भी बहुत ही इट वाज वेरी गुड। प्लान करेंगे और डेफिनेटली अगले इवेंट में आपको संगीता जी हमारी फिल्म में देंगे। जी जी, फिल्म बनाइए साथ सहेलियां। मैं सबसे पहले की ढेर सारी बधाई दूंगा सभी भोजपुरिया दर्शकों को और इस परिवार को, जो कि ऐसी फिल्में हमारे बीच में हैं जो कि बहुत ही पारिवारिक दिख रही है। जैसे कि मैं पोस्टर देख रहा हूं, तो लाख लाख शुक्रिया अदा करूंगा दिलीप गुलाटी जी का, जो कि इतनी बेहतरीन फिल्में बनाई है, और उसमें जो जोड़ी अविनाश शाही और गुंजन पंत जी का, जो कि मैं देख रहा हूँ बहुत ही खुश हुआ। ऐसी फिल्में, एक पारिवारिक फिल्म जो कि छठ पूजा पे शायद रिलीज भी हो रही है, तो बेशक सुपर डुपर हिट होगी। और बहुत बहुत बधाई ऑल टीम को और हमारे गुंजन जी को, जो कि हमें यहाँ स्नेह पूर्वक बुलाया और बहुत ही अच्छा लगा। मैं चाहूँगा और भी सुपर हिट फिल्में हो, क्योंकि हमारे साथ कई फिल्में कर रही हैं, संगीता जी अभी हमारे साथ टकराव की हैं, तो मैं सबको ऑल विशेस देता हूँ और बधाई देता हूँ अविनाश साई को भी। थैंक यू। अविनाश क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है एक कलाकार के लिए? वाकई में बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है जब फिल्म और ट्रेलर लॉन्च होती है, और एक सक्सेस फिल्म तो कहीं ना कहीं ज़्यादा खुशी तो होती है। क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी होती है? सबसे पहले मैं अपने भोजपुरी दर्शकों को प्रणाम करना चाहता हूँ, आज जो भी हूँ उनके आशीर्वाद से हूँ। यह फिल्म बहुत ही अच्छी बनी है और भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आज ऐसी फिल्मों की ज़रूरत है जो घर से अपनी फैमिली को लेकर के जाए और फिल्म को देखे। बहुत सारी फिल्में बन रही है पर फैमिली उसमें नहीं जा रही है, तो फैमिली के देखने लायक फिल्में और मेन फिल्म की मेन बेस जो है वो छठ पूजा पे है, जो कि हमारी दिली तमन्ना थी कि छठ के ऊपर मैं फिल्म करूँ, और माँ के आशीर्वाद से मुझे मिला। और दिलीप जी इज़ ए वेरी गुड टेकर, उनके साथ मैंने ये फिल्म किया, दैन गुजराती किया, अभी जस्ट किया हूँ मोहरंगदे सांवरिया, वो भी बहुत अच्छी मूवी बनाया उन्होंने। और गुंजन जी के साथ पहली फिल्म हम लोगों ने किया था कल आज कल, और वो फिल्म बहुत ही इमोशनली थी। पूरी फिल्म में हम लोगों ने इतना रोया कि हमेशा फिल्म आती रहती है। लेकिन आप बच गए रोने से, हाँ मैं तो रो ही हूँ, मतलब आप निकल गए मुझे रोता हुआ छोड़ के निकल गए।
तो ये फिल्म बहुत अच्छी बनी है और उम्मीद है कि हमारे दर्शक जो हैं ज़रूर सराहेंगे और इस फिल्म को देखेंगे। अगर सराहते हैं, देखते हैं, तो ज़रूर ऐसी ही फिल्में बनेगी। और लोग बोलते हैं कि वल्गैरिटी दूर हो भोजपुरी से, तो दूर करने का एक ही तरीका है कि ऐसी फिल्मों को देखा जाए। बहुत मस्ती करते थे हम लोग वहाँ पे, छठ घाट का जो सीन था तो सब हम अपने हाथों से हम लोगों ने सजाया था उसको, तो बड़ा मज़ा आया था। दिलीप जी ने बोला कि मुझे पता नहीं है, तुम लोग करो, तो हम लोगों ने मिलजुल के पूरा थूक में एकदम पानी रख रख के हम लोग चलते थे, गरम रेत में हम लोग नंगे पैर चले हैं, अच्छा, पैरों को जलाया है, बहुत मतलब काफी कुछ सहा है इसमें। अच्छा, गुंजन को खाली पैर चलना होता था, तो फिर मैं बोतल से पानी डाल डाल के पैर बनाता था और फिर इस पे चलते शूट होता था कि इतनी गर्मी थी। तो केमिस्ट्री हम लोग की बहुत अच्छी है और अभी जस्ट हम लोग ने फिल्म किया था हमसे बढ़कर कौन, और फिर तमन्ना है कि आगे करते रहें और करेंगे ही। किरदार की बात करें, हमारी किरदार इस फिल्म में अलग टाइप के, एक म्यूजिशियन का है, लवर बॉय है और म्यूजिक से बहुत प्यार करता है, और ऑब्वियसली म्यूजिक से प्यार करने वाला बहुत प्यारा इंसान होता है और उसके दिल में प्यार आता है। देन जिस लड़की से प्यार करता है वो किसी और की हो जाती है, तो ये सारे मोड़ है फिल्म में। और सबसे अच्छी चीज़ इस फिल्म में ये लगी कि एक औरत हमारी माँ होती है, बहन होती है, बीबी होती है, और सबका किरदार अलग अलग होता था। कितनी उम्मीद है अविनाश इस फिल्म से? इस फिल्म से हमें बहुत उम्मीद है और इतनी है कि हमारे भोजपुरी दर्शकों को भी बहुत उम्मीदें होंगी कि एक बेहतरीन फिल्म मिलेगी उन्हें। जी, अगर इस फिल्म की बात करें और उम्मीद की बात करें, तो कितनी उम्मीद है इस फिल्म से और आखिरी छठ पूजा आने वाला है? जी हाँ, जैसा कि अविनाश जी ने बोला कि इस फिल्म से बहुत उम्मीद है और आज की दौर में हमें ज़रूरत है इस तरह की भोजपुरी में साफ़ सुथरी एक पारिवारिक फिल्म की, जो कि सिर्फ एक नॉर्मल फिल्म ना हो बल्कि एक मैसेज देती हो। तो हमारी फिल्म बैरी भैल सज्जनवा हमार एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है कि हमें समाज में नारियों को इज्जत देना बहुत ज़रूरी है, उनका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। तो इस मैसेज के साथ ये हमारी फिल्म आएगी और जी हाँ, छठ पूजा में हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है और छठ का गाना भी इसमें एक बहुत ही खूबसूरत गाना है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है वो गाना। तो बस हम लोग फिंगर्स हमारी क्रॉस हैं कि जल्दी फिल्म रिलीज़ हो और इसके साथ ही साथ तमाम दर्शकों को हम दोनों छठ की शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। और गुंजन जी ने बहुत बेहतरीन काम किया इस फिल्म में, रियली अगर आप लोग देखेंगे इस फिल्म को ना, तो इतना बढ़िया काम किया और टोटली फिल्म इन्हीं के ऊपर है। एक लेकिन आपने भी कम कमाल नहीं किया है, जो देखा मैंने सपना जी के साथ गाने के हमारे सारे भोजपुरी क्या बोलेंगे, हाँ, हमारे वाले तमाम दर्शकों को मेरे गुंजन मेरे अविनाश पहले आप अपना नाम लेना और गुंजन वाले तमाम दर्शकों को अविनाश साहिब गुंजन पंत की तरफ से ढेर सारी सारी शुभकामनाएं। हैप्पी छठ, हैप्पी छठ पूजा, थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार है मेरा, हमारे सारे भोजपुरिया फ्रेंड्स को नमस्कार है, भोजपुरिया समाज को। और बिल्कुल ये फिल्म बहुत दिनों बाद एक बार फिर से फॉर्म में आई है, दिलीप जी ने फिर से इसका प्रमोशन किया है, आज हमने प्रोमो देखा, खुशी होती है क्योंकि भोजपुरी फिल्में ऐसी बनती हैं कि हम कभी थिएटर में जाके देख नहीं पाते, तो इस फिल्म को देखकर लगता है कि हाँ, हम जाकर थिएटर में देख सकते हैं, एक परिवार के साथ बैठकर देखने वाली फिल्म है। बहुत बहुत शुभकामनाएं है। और अलका जी, चलते चलते छठ पूजा आने वाला है, उस पर कोई दो लाइन बना दें और आपका जो आपके दिल के करीब छठ पूजा का बिल्कुल दीपावली भी आ रही है और छठ भी आ रहा है, तो दीपावली और छठ दोनों से शुभकामनाएं हैं आप सभी दोस्तों को। तो एक प्यारा सा गीत जो मुझे बहुत पसंद है वो मैं गुनगुना देती हूँ। झूमे आरा छपरा पटना सहरिया, झूमे आरा छपरा पटना सहरिया, शोभा बढ़ल बड दरिया के ओ बहंगी लचकेला, ओ बहंगी लचकेला, कान्हे पर बिहारिया के ओ बहंगी लचकेला।